अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स जी, मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्किन से रिलेटेड बहुत ही अच्छा जो है, आप इसे स्क्रब बोल सकते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, स्किन को बहुत अच्छे तरीके से आपकी टैनिंग को जो है वो दूर करेगा, और इसके बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि आपकी स्किन को नेचुरल चीज़ें मिलने वाली हैं और जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होंगी। तो जी, मैं आपको जो बताने वाली हूँ, सो प्लीज़ आप इन इंग्रेडिएंट को जो है नोट कर लीजिए। आपकी स्किन जो है उसके जो मॉइस्चराइजर जो ड्राइनेस होती है उसको ये मास्क जो है वो ख़त्म करेगा। तो सो वक्त ज़ाया किए बिना हम रेमेडी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो चाहिए इंग्रेडिएंट बनाना है, सॉरी ये मेरा बनाना जो था ये मैंने मैश करके, तो आप जानते हैं कि वो ना ब्लैक रखते हैं तो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो मैंने एक्चुअली जो मिस्टेक की है, मिस्टेक मीन्स के पहले इसे मैश कर दिया है। ये है 10-15-20 मिनट पहले मैंने इसको मैश करके रखा था, तो वो ब्लैक कलर आप जानते हैं के बनाना जो है वो फौरन ही कलर चेंज कर लेता है, ब्लैकिश की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो अदरवाइज ये बनाना को मैंने अच्छे तरीके से मैश किया है, आप भी बनाने को मैश कर लीजिए। 1 स्पून के करीब आपको बनाना चाहिए होगा, उसको अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए। और ये है जो छोटा बनाना होता है, आप अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है, उसकी अफादियत जो है वो ज़्यादा होती है। और हमने ले ली, ये कॉफ़ी नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये माइलो है, ठीक है, आप भी जहन में रख लीजिए ये माइलो है। तो आप इसको ऐसे अच्छे तरीके से करके तो इसको पीस सा सकते हैं। ये वैसे ये पीसी हुई फॉर्म में ही होती है, लेकिन ये पड़ी हुई थी डिब्बे में, तो इसके अंदर जो जिसे हवा बोलते हैं ना वो चली गई है, तो वो ढेली की शक्ल में आ गई है। सही है, मैं यूज़ करती रहती हूँ तो इसलिए कोई गीला स्पून जो है वो अंदर चला गया है, जिसकी वजह से ये ढेली की शक्ल में आ गई है। अदरवाइज ये मैश फॉर्म में ही होती है माइलो। माइलो जो होती है बच्चों को देते हैं पीने के लिए, ये बहुत अच्छी होती है माइलो। ये इसीलिए मैं आपको स्किन में लगाने के लिए बोल रही हूँ। इसमें B2, B16, विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए भी। और ये दूध में मिला के आप पीए, अगर गर्म पानी में कुछ लोग डाल के पीते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप बच्चों को दूध के अंदर जो है इसको मिला के दें, तो बहुत अच्छे से बहुत उनको जो है इससे फ़ायदा होगा। जी, मैंने जो लिया है वो केला लिया है, ये जो है ये अच्छे तरीके से मैश नहीं हो रहा, प्लीज़ आप इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल ये देखिए ये हो रहा है। मैं आपको करके ही दिखाती हूँ, फिर आप कहेंगे पता नहीं होगा नहीं, मैं आपको ऐसे लाइव ही करके इसको दिखाती हूँ, आप इसको देख सकते हो, इसके रिजल्ट आपके सामने होंगे। ये मैश हो गई, सॉरी मैं आपको अगेन बता रही हूँ, ये ऐसे मैश फेम में ही होती है, मुझसे गीला स्पून डिब्बी के अंदर चला गया है, जिसकी वजह से ये ढेलियों की शक्ल में आ गई है, क्योंकि मैं यूज़ करती रहती हूँ। पीने के लिहाज से बच्चों को भी दें, वैसे बड़े लें, बहुत अच्छी है। B12, B2, 16 विटामिन सी इसके अंदर होता है, वो बहुत अच्छा होता है। जी, मैंने बनाना लिया, माइलो ली 1 स्पून, और मैं इसके अंदर डालूंगी किसी भी कंपनी की आप जो है वो क्रीम ले लीजिए, ठीक है, थोड़ी सी। ये देखिए मैंने इसका थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। एक और बात, प्लीज़ आप जितनी भी ये रेमेडी करें हर्बल से रिलेटेड इवनिंग में किया करें, सही है। सनब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी रखा करें। मैं आपको बताऊं, सनब्लॉक आपकी आधी स्किन को बिल्कुल ठीक कर देता है। 60 क्या 80% जो स्किन है वो आपकी सनब्लॉक लगाने से ही सही हो जाती है। स्किन टेनिंग, छाइयों के जो पड़ी होती हैं स्किन के ऊपर, उसको भी काफ़ी हद तक जो है सनब्लॉक ही बेहतर कर देता है, क्योंकि पिगमेंटेशन, स्किन का ख़राब होना, सन की रोशनी चूल्हे के पास हमारी बहनें जाती हैं उससे ख़राब हो जाती है। तो सो ये देखें, मैंने मेलो ले ली, इसको मैंने मैश कर दिया, मेलो बनाना एंड क्रीम, ओके। ये बहुत ही अच्छा बनने वाला है, प्लीज़ इसे इवनिंग में यूज़ करिएगा, ये बहुत ही अच्छा आपकी स्किन के से रिलेटेड बनने वाला। ये लोशन ले लें, आप कोई भी ले लीजिए लोशन, थोड़ा सा आपने इस्तेमाल करना है। मैंने जो लिया हुआ है आप देख सकते हैं, यूवी एक्स्ट्रा है,
ये बहुत ही अच्छा लोशन है, आप भी ले लीजिए। किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने इस्तेमाल किया है आप वही लो, आप किसी भी कंपनी का लोशन लें और इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, मैं इंग्रेडिएंट रिपीट कर दूँ। मैंने बनाना ले लिया, माइलो ले ली स्पून, और मैंने थोड़ी सी क्रीम जो है, कोई भी आप मार्केट से ले, फ्रेश क्रीम जो वो जो मिलती है खाने वाली वो लेनी है, और लोशन लेना है। और मैंने जो है जी, मैंने जो है ये सैंडलवुड पाउडर ले लिया है, ये मेरे पास है, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूंगी, थोड़ा ही इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं। सैंडल पाउडर जो है बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, तो आप इसको मैश कह रही हूँ, इसको मिक्सअप करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, और आप इसको स्किन के ऊपर लगा लेंगे 15, मैं नहीं बोलूंगी 3 आवर्स के लिए, इवनिंग में करें या शाम में थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए जब आप बेड के ऊपर जाते हैं, देन आप लें और इसको लगाएं स्किन के ऊपर 2 आवर्स के लिए मैक्सिमम। फिर आप नीम गर्म पानी से, या तो आप हल्के नीम गर्म पानी से मैं आपको कहूंगी धोएं, या बहुत ठंडे यख पानी से धोएं। ओके, लेकिन आप इसको स्टार्टिंग में नीम गर्म पानी से धोएंगे स्किन को, उसके बाद कोई भी ऑयल जो आप लगाते हैं स्किन के ऊपर वो लगाएंगे, या कुछ जो क्रीम आप कोई लगाते हैं वो, मैं आपको क्रीम बनाना भी नाइट की बताऊंगी इंशाल्लाह आगे, और ऑयल बताना भी जो स्किन के ऊपर लगाते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो कि ये मैंने रेडी की है। तो चलें मैं आपको स्किन के ऊपर अप्लाई करके इसको दिखाती हूँ। ओके, आप देखेंगे मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए लगाऊंगी, इसके रिजल्ट आपको दिखा दूंगी। तो लेट्स गो, इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करके दिखाते हैं। जी, तो अब हम इनको आप देखेंगे, आपको लाइव थोड़ा सा मैं लगा के दिखाती हूँ। ये हम 3-4 आवर्स के लिए लगा के रखेंगे स्किन के ऊपर, ठीक है। बॉयज लेडीज सब इनको, ये देखें कि स्किन कितनी प्यारी है माशाल्लाह। ये वैसे यही लगाते हैं, ये लगाते हैं आप? मैं हल्का हल्का इनको लगा के दिखा रही हूँ। तो आप यही लगा सकते हैं इनको, ओ सॉरी, बॉयज भी लगा सकते हैं, मेल हमारे भाई बहनें सब लगाएं, इससे फायदा उठाएं। ये बहुत ही अच्छा मास्क होता है, 2 से 3 आवर्स के लिए इसको लगा रहने दें। आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ब्राइट और फ्रेश। मैंने सिर्फ इनको हल्का हल्का लगाया है, आपको वैसे भी आप इनकी स्किन देख सकते हैं कि प्यारी है। तो आप भी प्लीज इसको लगाएं, तो इससे फ़ायदा हासिल करें। ये बहुत ही अच्छा मास्क है, इसको 30 मिनट के लिए चेहरे के, और 30, सॉरी मैं अगेन गेन मेरे मुँह से निकल रहा, क्योंकि ज़्यादातर 20 एंड 30 मिनट्स के लिए ही हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना, 4-5 आवर्स के लिए इसको लगा के रखें। स्किन ट्राइट ग्लोइंग, हर तरीके से आपकी बहुत प्यारी जो है वो स्किन होना शुरू हो जाएगी। तो आप इसको यूज़ करें, आप फिंगर के साथ लगाना चाहते हैं लगाएं, मैं तो फिंगर के साथ ही चीज़ लगाती हूँ, मुझे सही लगता है। लेकिन अगर आप ब्रश यूज करना चाहते हैं तो ब्रश के साथ इसको लगाएं। तो आई होप कि ये जो छोटी सी रेमेडी है आपको बहुत अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। आप सिर्फ 1 मंथ, मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में हो जाएंगे स्किन गोरी गोरी चिटी चिटी हर चीज खत्म हो जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसको एटलीस्ट आप 1 मंथ, हाँ 1 वीक में आपको रिजल्ट थोड़े थोड़े मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन 1 मंथ में थोड़े से रिजल्ट मिलेगा, फिर 2 मंथ 3 मंथ तक आपको बहुत अच्छे जो है इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो रेमेडी है अच्छी लगे। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकॉन पुश कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।